बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते बे नुक्ता के साथ लियाकत मुग़ल हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, धनौट तहसील केवड़पक्का का सबसे बड़ा कस्बा है, जो कि लोधरा को केवड़पक्का से मिलाता है और अपनी अफादियत, अहमियत, आबादी और ज़रअी पैदावार, बिलखसूस टनल फार्मिंग के हवाले से बहुत अहम है। इसकी अहमियत के पेश नज़र नवम्बर 2019 में इसे टाउन कमेटी का दर्जा दे दिया गया और 30 के करीब मुलाज़मीन मुख्तलिफ अमूर पर मामूर भी कर दिए गए, जो कि इंतहाई खुश आइंद इकदाम था, जिसे ज़िला लोधरा बिलखसूस धनौट के बासियों ने बड़ा सराहा। लेकिन ये खुशी अब गायब हो चुकी है, क्योंकि टाउन कमेटी धनौट में तैनात अमला को 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर केवड़पक्का और अरबाब इख्तियार को बार बार याद दहानी कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। मुलाजमीन के बकौल डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने कहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, तहसील वालों से राबता करें। और जब तहसील वालों से राबता किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि वो लोधरा या लाहौर में राबता करें, इसके अलावा हमारे पास कोई दीगर ज़राए नहीं है। उन मुलाजमीन का कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं भूख से बिलख रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, बीवी घर छोड़कर चली गई है, हम पर रहम किया जाए। नाज़रीन, ये लोग अभी भी एहतजाजन धरने में बैठे हुए हैं और वहाँ इनसे हमने राबता किया है और अब हमसे पूछते हैं कि उनके वहाँ पर हालात क्या हैं और वो किस किस्म की हालात से नबरदाजमा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि आज आप जो एहतजाज में धरने में बैठे हुए हैं उसका मकसद क्या है, आपको कितने अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली हैं और आपकी गुजर बसर कैसे हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं टाउन कमेटी धनौट का सरकारी मुलाजम हूँ। हमें पिछले 4 माह से तनख्वाहें की अदायगी नहीं की गई, जिसकी वजह से हमारे घरों में फाका है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से और अहकाम बाला से अपील है कि हमें जल्द अज जल्द तनख्वाहें हमारी अदा की जाएँ, ताकि हम भी दूसरे लोगों की तरह बआसानी अपना घर का गुजर बसर कर सकें। टाउन कमेटी धनौट का बड़ा हाथी है, लेकिन फंड नहीं आए, सबको 4 महीने तनख्वाह नहीं मिले पियाँ, अदब वो मजबूत बेबस लोग हैं, सारे बाल भूख न मरते पे, लोगों के बाल मदर, लोगों के बाल मदर कोरोना ना, सारे बाल मरते पे भूख ना। मेहरबानी करे सबको तनख्वाह मिलतिया वन, फिर असा वजीर अला पंजाब को एहतजाज कर जाते हैं कि एह वास्ते फंड भी जारी की वजे, ग्रांट दी वजे, सबको भूख जरा बचाया वजे, बचाया बचाया मुझे जनाब, मुझे बचाओ। अच्छा, 4 माह से हमें तनख्वाह न मिलने की वजह से हमारे घर में फाका कशी बड़ी जोरों से चल रही है, जिसकी वजह से मेरे बाल बच्चे भी मेरा घर छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी कीजिए हमारी तनख्वाह दीजिए। जी नाज़रीन, देखिए आपने इनकी बेबसी, किस कदर मजबूर और लाचार हैं ये लोग, जो कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस गए हैं। इस सिलसिले में हमने असिस्टेंट कमिश्नर केवड़पक्का मलक अहमद फराज आवान से भी राबता किया है तो उन्होंने बताया कि फंड्स का इशू है, फंड्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ने जारी करना है, हमने अपनी सिफारशात भिजवा दी हैं, हम उनसे इसके अलावा इनके साथ मजीद कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए कि अरबाब इख्तियार कब इनके ठंडे चूल्हों को दोबारा से गर्म करने के लिए अपनी नज़र करम फरमाते हैं, मगर है ये जुल्म और इसे बंद होना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।